अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। आप लोग को मेरी तरफ़ से बहुत सारी ईद मुबारक हो। अभी मैं मूवी लगाने लगी हूँ। लोगों के घरों में इस टाइम पर दावतें होती हैं और ईदियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे घर में मैं मूवी देख रही हूँ और साथ खीर खा रही हूँ, और बाद में देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही, अभी फ्री होकर मैं बस मूवी ही देखूंगी। अभी ये देखे मैं, अभी जो फर्स्ट वाली मूवी है मैं वो ही लगाऊंगी, क्योंकि ये वैसे ही होती हैं लेकिन जो मज़े की होती है ना वो सबसे ऊपर देते हैं। अब ये नहीं पता जो सबसे ऊपर होती है वो मज़े की होती हैं या नहीं, लेकिन अब ट्राई करते हैं कैसी होएगी। अभी मैंने ये लगा तो ली है, पता नहीं कैसी होगी। और ये देखें मैंने लगा लिया मूवी। और आप लोग के घरों में सुबह सुबह उठ के क्या बनता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सब अंदर बैठ के मूवी देख रहे थे लेकिन बाहर से इतनी ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी जैसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, और बाहर आकर देखा तो हवाएं चल रही थी और जो बॉटल्स पड़ी हुई थी वो गिर रही थी, और हमें था कि पता नहीं क्या हो रहा है। और किचन में आई और देखा तो बॉटलें गिरी हुई थी। और ये देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अंदर तक बारिश हो रही है। ये देखें इधर से क्लियर नज़र आएगी, वो ऊंची गली थी तो उसमें पानी नहीं होता, इसमें पानी होगा। ये देखें अब कितना पानी खड़ा हुआ है, और ये देखें पानी ही पानी है, अंदर तक बारिश आ रही है, इतनी तेज़ बारिश है ना। अभी हमने आज जाना था कहीं पे, अब पता नहीं जाते हैं कि नहीं जा पाते क्योंकि बारिश ही बहुत हुई है, पानी तो बहुत ज़्यादा होगा सड़कों पे। ये देखें आज हम बाइक पर जाएंगे और जाकर देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग जाएंगे अब्दुल्ला वहाँ, और वहाँ से जाकर सब इकट्ठे होकर फिर देखें कहाँ जाते हैं हम लोग। और वैसे मूड तो सबका बन रहा है पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन उधर जाकर देखें क्या खाते हैं और क्या नहीं। जी तो गैस ये है अब्दुल्ला मॉल, और हमने यहाँ से सबको ले लिया है। हम अब जाएंगे रेस्टोरेंट में। जब ईद पर बारिश होती है तो मौसम तो अच्छा हो जाता है लेकिन रोड्स की कोई हालत नहीं रहती, और ये चेक कर सकते हैं आप क्या हालत है इस टाइम रोड्स की। और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। अभी ये डर है बस के रेस्टोरेंट के बाहर पानी ना खड़ा हो। अब जब जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हालात हैं उधर की। जी तो ये है पापा'स पिज़्ज़ा, और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक्साइटमेंट भी है कि कैसा होता है और कैसा नहीं टेस्ट होता इसका। बाहर तो बहुत ज़्यादा रश है, अब अंदर जाकर देखते हैं रश है या नहीं है। चलें अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। रश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, और ये है यहाँ का मेन्यू। जी तो ये पिज़्ज़े हैं, दो हमने मंगवाए थे पिज़्ज़े। वाले और बहुत ही ज्यादा मजे का यहाँ का पिज्जा, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, जरूर यहाँ पर आइएगा। मैं ये नहीं कहती कि जरूरी आएगा, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो ये बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ का पिज्जा बहुत मजे का होता है, और आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। Thank you.
जी तो हम घर पहुंच आए हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।